डिसेंडिंग ट्रायंगल। एक डेफिनेशन। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और दर्शाता है कि मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है। इस पैटर्न में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लाइन होती है। दो, फॉर्मेशन। प्राइस लगातार लोअर हाईस बनाता है, यानी हर बार प्राइस का हाई पिछले हाई से कम होता है। वहीं सपोर्ट लाइन लगभग एक स्तर पर स्थिर रहती है, जहां प्राइस बार बार सपोर्ट पाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स के बीच संघर्ष होता है और अंततः सेलर्स का नियंत्रण बढ़ता है। तीन, साइकोलॉजी। डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट में बुल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और बेयर्स का दबाव बढ़ता जाता है। हर बार जब प्राइस हाई तक जाता है, तब बेयर्स प्राइस को और नीचे धकेलते हैं। जब सपोर्ट लाइन टूटती है, तो यह दर्शाता है कि सेलर्स पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुके हैं और प्राइस में तेज गिरावट की संभावना होती है। चार, ब्रेकडाउन। तब होता है जब प्राइस सपोर्ट लाइन के नीचे गिरता है। यह दर्शाता है कि बेयर्स ने मार्केट में काबू पा लिया है और प्राइस में गिरावट जारी रह सकती है। पांच, वॉल्यूम। पैटर्न के निर्माण के दौरान वॉल्यूम सामान्यतः कम होता जाता है। जब ब्रेकडाउन होता है, तब वॉल्यूम में अचानक से वृद्धि होती है, जो यह पुष्टि करता है कि ब्रेकडाउन वैलिड है और प्राइस गिरावट की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। छह, एंट्री। शॉर्ट एंट्री तब ले जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे जाता है। ब्रेकडाउन के बाद कैंडल की क्लोजिंग वेट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रेकडाउन फेक नहीं है। सात, स्टॉप लॉस। को हालिया लोअर हाई के ऊपर सेट करें ताकि अगर ब्रेकडाउन फेक साबित हो तो आपका नुकसान सीमित हो। आठ, टारगेट। पैटर्न की ऊंचाई के बराबर सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर ट्रायंगल की ऊंचाई 30 रुपए है और ब्रेकडाउन 100 रुपए पर होता है, तो टारगेट 100 रुपए माइनस 30 रुपए इक्वल्स टू 70 रुपए हो सकता है। 9, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। डिसेंडिंग ट्रायंगल आमतौर पर डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और इसे बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। हालांकि कभी कभी यह ट्रेंड रिवर्सल का भी संकेत दे सकता है, खासकर अगर यह एक अप ट्रेंड के बाद बन रहा हो। सारांश, समरी। परिभाषा, एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जो प्राइस के गिरावट की ओर संकेत करता है। फॉर्मेशन, लोअर हाइस और एक स्थिर सपोर्ट लाइन। साइकोलॉजी, मार्केट में बेयर्स का दबाव बढ़ता है। ब्रेकआउट, सपोर्ट लाइन टूटने पर ब्रेकडाउन होता है। वॉल्यूम, ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम में वृद्धि होती है। एंट्री, ब्रेकडाउन के समय। स्टॉप लॉस, हालिया हाई के ऊपर। टारगेट, पैटर्न की ऊंचाई के बराबर। डिसेंडिंग ट्रायंगल एग्जांपल। एक, सिनारियो। मान लीजिए एक स्टॉक XYZ का प्राइस 2028 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और यह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाना शुरू करता है। दो, फॉर्मेशन। लोअर हाइस। प्राइस पहले 2028 रुपए से गिरकर 1950 रुपए पर आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन सिर्फ 2010 रुपए तक ही पहुंचता है। इसके बाद प्राइस फिर गिरता है और 1950 रुपए पर सपोर्ट लेता है। फिर से ऊपर जाने पर प्राइस 1990 रुपए तक पहुंचता है, जो पहले हाई से कम है। सपोर्ट लाइन। स्टॉक हर बार गिरने पर 1950 रुपए पर सपोर्ट ले रहा है, जिससे एक स्पष्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन बन रही है। फॉर्मेशन समरी। लोअर हाइज 2028 रुपए, 2010 रुपए, 1990 रुपए। सपोर्ट 1950 रुपए। तीन, साइकोलॉजी। इस पैटर्न में हर बार प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाता जितना पहले गया था, जो दर्शाता है कि बुल्स कमजोर हो रहे हैं। इसके विपरीत, सपोर्ट लेवल 1950 रुपए पर बना हुआ है, लेकिन बेयर्स धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं और प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चार, ब्रेकडाउन। स्टॉक 1950 रुपए के सपोर्ट पर बार बार आ रहा है और अंततः यह सपोर्ट तोड़ता है।
प्राइस सपोर्ट के नीचे गिरकर 1940 रुपए पर आता है। इस स्तर पर ब्रेकडाउन का संकेत मिलता है कि प्राइस और गिरावट की तरफ जा सकता है। 5. वॉल्यूम पैटर्न बनते समय वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस 1950 रुपए के नीचे गिरता है वॉल्यूम अचानक बढ़ता है, जो इस ब्रेकडाउन की वैधता वैलिडिटी को कंफर्म करता है। 6. एंट्री जब स्टॉक 1950 रुपए का सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है और कैंडल 1940 रुपए पर बंद होती है, आप यहां शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। 7. स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को हालिया लोअर हाई के ऊपर सेट करें। यहां हालिया हाई 1990 रुपए है, तो स्टॉप लॉस 1995 रुपए पर सेट करें, ताकि अगर पैटर्न फेल हो जाए तो आपका नुकसान सीमित रहे। 8. टारगेट की गणना पैटर्न की ऊंचाई हाइट ऑफ द ट्रायंगल के आधार पर की जाती है। पैटर्न की ऊंचाई 2028 रुपए, हाईएस्ट पॉइंट 1950 रुपए, सपोर्ट 78 रुपए। ब्रेकडाउन प्राइस 1950 रुपए से हुआ तो आपका टारगेट होगा 1950 रुपए माइनस 78 रुपए 1872 रुपए। 9. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंट्री पॉइंट 1940 रुपए, स्टॉप लॉस 1995 रुपए 55 रुपए का रिस्क, टारगेट 1872 रुपए 68 रुपए का रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:1.23, रिस्क कम और रिवॉर्ड अधिक।